जी, आज हम आपके पास हैं बच्चे के साथ। टोटली डिफरेंट और बहुत यूनिक प्रॉब्लम है जो हाइपर सेंसिटाइज नर्वस सिस्टम या फंक्शनल मोटर डिसऑर्डर भी बोलते हैं कुछ कंडीशंस में। तो ये हाइपर सेंसिटाइज नर्वस सिस्टम था, इससे पहले वाला जो फर्स्ट वीडियो हम आपको बाद में दिखाएंगे। बट आज के टाइम में क्या कंडीशन है कि बच्चे का पैर बिल्कुल नॉर्मल है, रिलैक्स है, चल सकता है, रनिंग भी कर सकता है, सब कुछ अलाउड है। पहले इसको टच करने में भी दर्द था, हल्का था, टच करते भी पेन होता था। अब होता है पेन बेटा टच करने में, याद है ना जब स्टार्टिंग में वीडियो बनाया था, नहीं होता पेन। अच्छा, अब चूटी मारने में दर्द होता है नहीं? अच्छा, ब्रश पे कोई दर्द होता है बताओ? आग वाला ब्रश कहाँ गया, तो लेके नहीं आए हैं? नहीं होता ना, कोई दर्द नहीं है इससे, कोई दर्द नहीं। अच्छा, घुटना मोड़ के दिखाओ, सीधा करो, जोर लगाओ, शाबाश, और जोर से। तो दर्द है पक्का? पैर उठाओ ऊपर, कोई दर्द, चलने में कोई दिक्कत नहीं? हाइपर सेंसिटाइज नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि ब्रेन का रिसेप्टर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हल्का सा टच करते ही बच्चे को, पेशेंट को 100 times दर्द होता है। बहुत शार्प पेन होता है, बहुत तेज दर्द होता है, बच्चा उसको सहन नहीं कर पाता। इस वजह बच्चे को चलने के लिए मुश्किल हो गई थी, चल भी नहीं पा रहा था, वेट भी नहीं डाल पा रहा था, तो बहुत दिक्कत थी। 21 days लगाया हमें इसको सेटल करने में कंडीशन को। न्यूरोफिजिशियन का मेडिसिन भी चला है, बट हाँ, साथ साथ में जब इनका ट्रेनिंग हुआ, घर पे बहुत मेहनत किया बच्चे ने, पेरेंट्स ने बहुत मेहनत किया, तब जाके हम ये रिजल्ट ले पाए हैं। डेली इसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं, पहले हम सेंसिटाइज करते हैं हल्के कपड़े से, हल्के हाथ से, इसमें में शुरू में बच्चे को पेन होता है, धीरे धीरे पेन होना खत्म हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, चूटी मारने के लिए आप कर सकते हैं, या जो टूथब्रश है उसके साथ आपको पिंच करना है, ये भी आपका 1 हफ्ते तक साथ साथ में ट्रेनिंग चलता है। जैसे जैसे बच्चा रिकवर करेगा वैसे वैसे आप स्टेप्स को बढ़ाते रहते हैं। उसके बाद चुभने वाली चीज़ें, उसके बाद मूवमेंट्स को डे बाय डे आपको इसको बढ़ाना है, जिससे कि जो हाइपर सेंसिटाइज सिस्टम था उसको दोबारा से आपने सेंसिटाइज कर दिया, नॉर्मलाइज कर दिया। ब्रेन में जो फीलिंग्स थी, जो पेन 1 होता है अगर काउंट करें, बच्चे को 10 फील होता है, इतना तेज दर्द होता है। और हर बात पे बच्चा रोता था। इसके बारे में ज्यादा बेटा जी बताएंगे, इनके फादर बताएंगे। बैठ जा बेटा, 1-to-1 करके दिखा दे एक बार, दिक्कत तो नहीं ना चलने में, कर दिखा 1। अरे चल तो बड़ी यहीं पर यहीं फेंक देता, कर्म दार कर दे, देते जितना कर सकते आपने दर्द। कोई दर्द है पक्का? नहीं है? अच्छा, पापा बताएंगे क्या कंडीशन है। आगे आ जाओ बेटा, उसको एक पैर में नस की प्रॉब्लम हो गई थी, जिससे इसका पैर जमीन में टिक भी नहीं रहा था, इसको काफ़ी ज़्यादा पेन था। और जैसे ही इसको टच भी करते थे, इसको पेन सेंसेशन और कदमे में हीटिंग ज़्यादा थी। इसके लिए हम लोग इलाज भी चलाए, ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं। वही में 20-21 दिन पहले हम लोग इनके पास आए थे, अभी बहुत रिकवर है, बच्चा चल रहा है और काफ़ी खुश है, एक्टिव भी है, बेटर लग रहा है ना बच्चे का काफी बेटर। बेटा आप बताओ, आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? अच्छा, क्या अच्छा लगा यहाँ पे ये बताओ। आपने मेरे को ठीक कर दिया। मैंने आपको ठीक कर दिया? अरे वाह, स्माइल करते हैं एक बार, मास्क हटा के स्माइल करके दिखा दे, कोई दिक्कत नहीं। अरे वाह, बिल्कुल ठीक है ना पक्का? रनिंग करनी है और क्या करना है? बच्चे कही लो बेटा, एक्सरसाइज करनी है, फिट हो। घर पे कितनी बार एक्सरसाइज करते थे ये बताओ? पहले कितना रोते थे? कितना रोता था? बहुत ज़्यादा रोता था, दर्द होता था ना? एवरी पेन इज रियल, सारे दर्द जो हैं वो रियल होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है हाइपर सेंसिटाइज नर्वस सिस्टम में, सब कुछ नॉर्मल आता है, सारी रीडिंग्स नॉर्मल आती है, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई फाइंडिंग पॉजिटिव नहीं होती, तो क्या लगता है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो पेरेंट्स बच्चे को बोलना शुरू कर देते हैं कुछ है ही नहीं तुझे, तो एम ही करता है, तो एम ही नहीं करता। हर पेन रियल है, इसको समझना है। तो हाइपर सेंसिटाइज नर्वस सिस्टम का ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी में बहुत बहुत बेटर होता है। तो कौशिक फिजियो क्लिनिक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फीडबैक दिया। ये क्या होता है जो हम आपसे ले रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? फीडबैक। थैंक यू बेटा जी, थैंक यू। हाइपर सेंसिटिव दर्द हो रहा बेटा? दर्द है? दर्द हो रहा है? क्या हो रहा है बेटा? जलन हो रही है। और क्या हो रहा है? चीज मच रही है। इसे क्लियर किए तो हाइपर सेंसिटाइज फॉर पेन।
विद अ सिंगल लाइट हैंड द किड इज फीलिंग वेरी मच हाई पेन. यहाँ पे पेन है, यहाँ पे भी दबाने में दर्द होता है ना, और चलने में कोई दर्द है? अच्छा, ये खींच दूँ मैं इसको, कुछ हुआ? कहाँ दर्द हुआ? आपने ऐसे दबाया तब दर्द हुआ था.